बड़ी खबर है। दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू। रियासी में उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे नामांकन। भाजपा और अन्य उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे नामांकन। तो चूंकि दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल की प्रक्रिया अब शुरू है, ऐसे में इस पर भी काफी ध्यान रहना है, चूंकि बहुत सारे ऐसे नाम अभी हैं जो चर्चा में भी हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए, जिसके तहत चुनाव जो है वो 25 सितंबर को होने हैं, तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो चुकी है। रियासी में उम्मीदवार आज दाखिल करेंगे नामांकन। भाजपा और अन्य उम्मीदवार आज अपना नामांकन का पर्चा भरेंगे। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। रियासी में उम्मीदवार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी और अन्य उम्मीदवार आज करेंगे पर्चा दाखिल। दूसरे चरण के तहत जो वोटिंग होनी है वो 25 सितंबर को होनी है, तो ये काफी अहम है उस दूसरे चरण के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से। और आज ये देखना होगा किन किन पार्टियों से कौन कौन से चेहरे अपनी उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। डोडा के बलोहारी में सड़क हादसा पेश आया है। मौके पर ही एक शख्स की मौत भी हो गई है, एक शख्स घायल है। इलाज के लिए उसे जीएमसी डोडा भेजा गया है। इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। डोडा के बलोहारी में एक सड़क हादसा पेश आया है। जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक और शख्स जो है उसे इलाज के लिए जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा भेजा गया है। जम्मू से किश्तवाड़ जा रही एक ट्रक जा रहा था और उसने अपना नियंत्रण खो दिया, इसके कारण ये हादसा पेश आया। तो जिसके नतीजे में एक जो है एक कार भी जो है उसके चपेट में आ गई।